लंबे समय से फरार चल रहा कॉलेज संचालक आखिर में सिंगरौली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जी हाँ, बीएड की डिग्री देने के नाम पर यह आरोपी कई लोगों से ठगी कर चुका है। पुलिस के मुताबिक रितेश पिता रामराज साहू निवासी मुखाटोला बरगवा की गिरफ्तारी हुई है, जो लोगों से बीएड सहित अन्य डिग्रियां दिलाने के लिए कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे लेता था, ना करा पाने पर ब्लैंक चेक दे देता था, जबकि उसके खाते में पैसा ही नहीं रहता था, जिस पर मोहम्मद असलम, भरत भूषण, लोकनाथ आदि लोगों ने न्यायालय बैढ़न में धारा 138 पराक्रम अधिनियम के तहत केस पंजीबद्ध कराया तथा न्यायालय द्वारा आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया, जिस पर बीते दिन वारंट को कसर गेट से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी वारंट के आधार पर माननीय न्यायालय बैढ़न वारंटी को पेश किया जा रहा है। बरगवां पुलिस के द्वारा रितेश साहू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट के द्वारा उसे जमानत नहीं दी गई और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।